हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज लास्ट पार्ट है आपका इकाई नंबर 4 का। इसे हम लोग प्रोटोजोआ देखेंगे। प्रोटोजोआ के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाकी आपको पता है प्रोटोजोआ का, हम लोग जितने भी डिजीज होते हैं प्रोटोजोआ का, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बिल्कुल ट्रिक से पढ़ रखे हैं। आप लोग देखिए सारा वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है ना। चलिए प्रोटोजोआ के बारे में देख लेते हैं। प्रोटोजोआ बेटा क्या होता है, पहले क्या होता है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ क्या होता है, क्या होता है, ठीक। एक तरह से यह भी डिजीज है, एक तरह से कह लीजिए कि सूक्ष्म जीव यह भी है। यह एक कोशिकी यूनिसेलुलर जीव होता है, लिख लेंगे। यह एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर जीव है। इनकी सेल यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक में डबल हेलिकल संरचना होता है डीएनए का, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करते हैं, वह एक तरह से लाइसोसोम से श्वसन करते हैं। यह सारी डिफरेंस हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बता रखे हैं आपको, ठीक है ना। यह बात आप देख लें। देखिए जो यूकैरियोटिक होता है, जो हमारा प्रोटोजोआ है, इनकी संरचना डिफरेंट डिफरेंट आकार की होती है। ऐसा निश्चित नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही आकार की हो बेटा, ठीक है। अब इसकी संरचना भी हम बनाएंगे अच्छे तरीके से, सारे पार्ट के बारे में लिखेंगे, लेकिन एक बार इनका संरचना देखें। ये चप्पल के आकृति के भी होते हैं, ठीक है, चप्पल के आकृति के भी होते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, युगलीना करते हैं, युगलीना। और एक तरह से भिंडी की आकृति वाले, पूंछ की आकृति वाले भी होते हैं। बेटा थोड़ा सा मोटा बन गया यहाँ पे, ऐसे ऐसे भी होता है। चूहे की आकृति वाले भी होते हैं, और कह लीजिए कंगारू की भी आकृतियाँ रखते हैं बेटा, है ना। इस तरह भी इनका आकृति होता है। ये एक तरह से आपके प्रोटोजोआ के टाइप्स हैं, जो अलग अलग प्रकार की इनकी आकृति होती है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, बिना सूक्ष्मदर्शी के इनको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि एक तरह से ये छोटे जीव होते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि हम उनका कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान न हुआ करें। उनका कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं दरअसल इस वजह से क्योंकि हमें पढ़ाना होता है। और आपका एक तरह से कंप्लेन आ रहा है कि सर लंबी वीडियो नहीं बनाए, तो हम लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, अब थोड़ी सी बात व्यवहार कम करेंगे। आप लोग पढ़िए ध्यान से और मस्ती के साथ पढ़िए। जितने भी वीडियो पढ़े हैं चैनल पर, उसको देखिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए। पेपर का डेट कभी भी आ सकता है ना। इस बार बैक नहीं आना चाहिए, आप लोग अंदर से मोटिवेट रहिए, आपके साथ हमेशा सही होगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, सारी चीज़ें वही चीज़ हैं जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, यही चीज़ आपके टेट में भी पूछी जाएंगी। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और यहाँ पे जो फ्री मटेरियल दिया जाता है, इसका लाभ उठाइए। आप लोग संस्कृत भी स्टार्ट है, संस्कृत भी देखिए, ठीक है ना। अब देखिए, जो कुछ रोग या जो होते हैं बेटा प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, जिन्हें हम रोग जनक प्रोटोजोआ भी कहते हैं। ये चीज़ आप लिख लेंगे कॉपी पे। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं, टाइप्स जो होते हैं प्रोटोजोआ के, वह कुछ रोग भी उत्पन्न करने वाले होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ यानी कि रोगजनक प्रोटोजोआ कहते हैं। जैसे कि पायरिया हो गया, पायरिया जो दांत में होता है, मशरूमों से ब्लड आता है। जैसे कि कालाजार हो गया, कालाजार मतलब काला बुखार इसे बोलते हैं, बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, सोने की बीमारी हो गई, है ना। ये सारी चीज़ें बेटा होती हैं प्रोटोजोआ से। तो यह बात आप लिख लेंगे। हमने ट्रिक बताया था, पापा काम्पेस होते हैं, तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक देखा जाए तो लगभग 30,000 प्रोटोजोआ ज्ञात हैं। ये बातें पूछी जाती हैं, 30,000 वैरायटी के प्रोटोजोआ ज्ञात हैं। यह अकेले भी रह सकते हैं, समूह में भी रह सकते हैं। एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैमरा हिल रहा है। हाँ बेटा, ये समूह में भी रहते हैं, एक तरह से अकेले भी रह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इनका संगठन की बात करें, संगठन इनका जो इनका मूल घटक होता है, वह दो रूप में हमको देखने को मिलता है। एक न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के रूप में, एक साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के रूप में। दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। मतलब इनका जो संगठन है बेटा, हमें दो तरीके से देखने को मिलता है। मूल घटक जो होता है इनका, दो तरीके से। पहला जो होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक के रूप में, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के रूप में, केंद्र इसे बोलते हैं, केंद्रक बोलिए फिर केंद्र बोलिए। और जो दूसरा इनका संरचना होता है, संगठन होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के रूप में। आप लोग भैया क्षमा करिएगा अगर कोई गलती हो जाती है, भाई बाय द वे, वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं गलती ना हो, बच्चे हमारे, मैंने हमारे बच्चों को हमेशा फायदा ही हो, कोई चीज़ उनको गलत ना बताया जाए, है ना। अब देखिएगा, जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और कोशिका द्रव्य, दो प्रकार के संगठन होते हैं इनके, इन्हें मूल घटक के रूप में देखा जाता है। जो न्यूक्लियस होता है बेटा, इसमें जो हमारा प्रोटोजोआ होता है, उसमें एक केंद्रक भी पाए जाते हैं, द्विकेंद्रक भी होते हैं बहुतों में, और त्रिकेंद्रक भी पाए जाते हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें, तो अगर मान लेते हैं सिंपल सा प्रोटोजोआ ऐसे बना दिए हम, इसमें एक केंद्रक भी देखने को मिल सकता है, दो केंद्रक भी, और लगभग तीन केंद्रक भी देखने को मिल सकता है।
तो यह आपको पता होना चाहिए, जो हमारा प्रोटोजोआ है वह एककेंद्रक भी हो सकता है, मुख्यतः तो एक ही केंद्रक का होता है, लेकिन द्विकेंद्रक और त्रिकेंद्रक भी हो सकता है, है ना। अब इस तरह साइटोप्लाज्म है, जिसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, इसको समझने के लिए बेटा हमको पहले चीज यह पता होना चाहिए कि जो ऊपर की झिल्ली होती है पूरी प्रोटोजोआ को ढकने वाली, वही होता है साइटोप्लाज्म। एक मिनट, ऊपर की पतली झिल्ली होती है जो ना कोशिका झिल्ली के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। जैसे हमने एक फिगर बनाया आपके सामने, तो जैसे कि यह देखिए, यह आपका मान लीजिए कि अमीबा है, कोई चीज है अमीबा ही मान लीजिए, तो इसके अंदर जो यह पदार्थ है ना, यह पदार्थ यही होते हैं आपके साइटोप्लाज्म, मतलब कि कोशिका द्रव्य होते हैं बेटा साइटोप्लाज्म, जिसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ऊपर वाला होता है कोशिका झिल्ली, तो नीचे अंदर वाला जो पार्ट है ना, यही आपका कोशिका द्रव्य आता है। तो यही चीज बताया जा रहा है आपको कि इसके पूरे जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली के अंदर यह उपस्थित होता है जो द्रव्य, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य बेटा, वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है बेटा एक्टोप्लाज्म। क्या होता है? एक्टोप्लाज्म। और दूसरा होता है इंडोप्लाज्म। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, एक फिगर बनाते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं ना। एक फिगर देखिएगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग भैया, है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आप लोग इजीली बता सकें, समझा सकें सारी चीजें। इस तरह मान लीजिए कोई एक आपका संरचना बना हुआ है ना, मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 30,000 टाइप्स के होते हैं प्रोटोजोआ, तो जरूरी थोड़े है कि कौन सा बनाएं कौन सा ना बनाएं। और गोलाकृति के भी होते हैं, त्रिभुजाकृति के भी होते हैं, चौकोर आकृति के भी होते हैं, चप्पल की आकृति के भी होते हैं, चूहे की आकृति के भी होते हैं, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इसमें कुछ फूड होते हैं जो कि तैयार करते हैं लोग, अब कुछ जो होते हैं तैयार हो चुके होते हैं, अब कुछ जो होता है वैक्यूल होता है। अब सबका नाम देख लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले जो होता है बेटा वो होता है पैसियोडोपोल्स। इसका नाम ये वाला देखना, ये चीज़ ये वाला, इसे बोलते हैं पैसियोडोपोल्स, यानी कि PSEUDOPDS, इसे बोलते हैं पैसियोडोपस। इसको याद कर लेंगे डब्स करके है, जो कि इसका स्ट्रिंग होता है, इसी से प्रजनन करते हैं, इसी से चलते हैं लोग, है ना, ये चीज़ याद होना चाहिए। एक होता है एक्टोप्लाज्म, जो ये बाहरी संरचना है ना, इसे बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म क्या होता है, बस सीधा साधा आप समझ जाएंगे, एक्टोप्लाज्म का मतलब होता है बेटा कि जो इनके प्रोटोजोआ के बाहर वाला आवरण होता है उसे एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना, और जो अंदर वाला होता है उसे एंडोप्लाज्म बोलते हैं। एंडोप्लाज्म जैसे कि अगर आपका एंडोप्लाज्म देखा जाए तो यहाँ पे अंदर की संरचना जो होगी उसे एंडोप्लाज्म बोलेंगे, एंडोप्लाज्म, ये चीज़ याद रखेंगे। अब ये जो देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एक तरह से फूड बन गया, इनका खाना बन गया है, और जो हल्का फुल्का खाली है ना उसे बोला जाता था फूड वैक्यूल बोला जाता है बेटा, याद रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा पाचन हुआ, अन्य जल हुआ, मतलब पाचन खाना पचाना और अन्य जल को बाहर निकालना, जो खराब पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम यही करते हैं, ऐसे ही करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद होता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या होता है बेटा, जो कि अभी तरह से अभी खाना बनाना स्टार्ट भी नहीं किया, एक तरह से जो खाली है ना संरचना, उसे बोलते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे, इसे आप कॉपी पे नोट कर लेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है संरचना, ठीक है ना। अब देखते हैं एक्टोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म क्या होता है बेटिया, एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर का संरचना होता है, बाहर का भाग होता है, जिसे एक्टोप्लाज्म बोलते हैं प्रोटोजोआ का। यह स्वच्छ तथा समांग होते हैं, कैसे होते हैं, साफ सुथरा और समांग होते हैं। समांग और विषमांग का मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको, समांग मतलब बिल्कुल घुल जाना, और विषमांग मतलब कि घुलना ना, जैसे कि वाटर ग्लास का पानी, उसमें अगर बालू डाल दें तो वह विषमांगी मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण मतलब कि चीनी मिला दें पानी में और नमक मिला दें, वो समांगी मिश्रण होता है, है ना, यह चीज़ याद रखेंगे। एक तरह से यह समांग होते हैं, और इनके द्वारा रक्षात्मक गमनात्मक कार्य होता है,
एक्टोप्लाज्म यही हो गया बाहर का जो है ना, यही सब एक्टोप्लाज्म है। अब यही इसके द्वारा वो चलेंगे, ये स्ट्रिंग यहाँ लगाएंगे फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे फिर आगे जाएंगे, इस तरह इनका बढ़ने का क्रम होता है, गमनात्मक क्रम जिसे बोलते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बेटा इसके द्वारा जो है यह पदाभ, कशाभिका और जो है सीलिया और मतलब इस तरह के कार्य का निर्माण करते हैं, हम कार्य लिख देते हैं उसका, जो एक्टोप्लाज्म है, एक्टोप्लाज्म के अंतर्गत कई सारे कार्य होते हैं। जैसे पहला है बेटा, पहला है पदाभ, पदाभ मतलब चलने का क्रम, चलने वाला क्रम पदाभ बोला जाता है उसे। कशाभिका क्या बोलते हैं, कशाभिका मतलब कि फ्लोगेला, फ्लोजिला बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, फ्लोजिला, फ्लोजिला बेटा, फ्लोजिला हो गया मतलब कि कशाभिका। एक तरह और होता है सीलिया, सीलिया याद रखेंगे सीलिया, ये इंग्लिश नाम हिंदी नाम दोनों सेम है, आप लोग हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें बात एक ही है, ठीक है ना। सीलिया इस तरह से कार्य है, इनके ये कार्य हैं पदाभ, फ्लोजिला, सीलिया, एक्टोप्लाज्म, रेटिकुलम के ये पार्ट है बेटा, मतलब ये कार्य है। इसके बाद आ जाता है इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म क्या होता है, इंडोप्लाज्म क्या काम करता है, इंडोप्लाज्म मतलब खाना बनाना, मतलब कि एक तरह से जनन का काम करना, जनन का काम करना, यह सारा काम जो होता है जनन और पोषण का काम करना, यह सारा का सारा इंडोप्लाज्म हमारा करता है ना। यह एक तरह से विषमांग होता है, विषमांग मतलब कि एक तरह से अलग अलग पदार्थों के साथ यह मिलता रहता है, इस तरह से घुलता नहीं है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया था ना पानी वाला बालू वाला, तो एक तरह से विषमांग होते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। यह कणिकामय होता है, इसमें कणिकामय इस वजह से बोला गया क्योंकि देख रहे हैं आप ना, कणिका मतलब छोटे छोटे आकृति की दाना के टाइप में होते हैं, इसी वजह से इनको कणिकामय बोला जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे, बिल्कुल कण की आकृति याद रखेंगे बेटा। इसके बाद अब केंद्रक की बात कर लेते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है कोई बताएगा, बताइए तो आप लोग, बहुत कमेंट करते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं हम भी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं अच्छे हैं और जो बच्चे कंप्लेन लेके आते हैं भैया है ना, वह थोड़ा सा देखा करें पहले, किसी चीज़ को समझा करें, उनके लिए ही सब सारी चीज़ें की जा रही है ना, हम अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं, तो आप लोग देखें इसे अच्छे से। थोड़ा सा जो डीमोटिवेट वाले कमेंट आप लोग करते हैं ना, यह बता सकते हैं हमारी कमजोरी क्या है, हमारी कमी क्या है, आप बताइए उस चीज़ को, हम इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन कोई और चीज़ जैसे कि हमने पढ़ा दिया और आपको लगा कि बहुत वीडियो बड़ी है हम नहीं देखेंगे, तो ये सब भैया पता है ना, लास्ट में बैक आएगी तो आप चिल्लाएंगे कि शायद सर के क्लास एक घंटे का देख लिए होते आज ना, तो कल हम एक साल अपना बर्बाद ना करते, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह आप पढ़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और सारे क्लासेस देखिए। अब देखिए केंद्रक, केंद्रक मतलब बेटा ये जनन को नियंत्रित करते हैं, केंद्रक का काम यही होता है जनन को नियंत्रित करना, नियमित कार्य करना, नियमित तरीके से अपना भोजन बनाना, भोज्य पदार्थ बनाना। प्रोटोजोआ में श्वसन का जो स्थान होता है बेटा, श्वसन करने का स्थान नहीं होता है बिल्कुल, इसमें श्वसन करने का स्थान नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्रोटोजोआ में श्वसन करने का स्थान होता है, जैसे हम लोग में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग के पास नोज है, श्वसन ले रहे हैं, लेकिन उनमें कोई ऐसा कार्य नहीं होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, कुछ में क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो तो सन के रोशनी में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उठा के उन्हें अंधेरे में रख दिया जाए ना, तो एक तरह से मृत्यु हो जाती है उनका, उनका मतलब देहांत हो जाता है, मर जाते हैं वो, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए प्रोटोजोआ में श्वसन का कलीय स्थान नहीं होता है, इस वजह से वो ऑक्सीकरण द्वारा अपनी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, है ना, इस तरह अपना कार्य करते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद उत्सर्जन संस्थान में उपस्थिति अभी विवादाप्रद है, मतलब कि उत्सर्जन कहाँ से करते हैं ये अभी विवादाप्रस्त है बेटा, मतलब कि यह विवाद में है, यह नहीं बताया गया अभी किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा, या पता नहीं हम लोग को कि जो है कि यह कहाँ से अपना उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो इनका कार्य होता है बेटा, ये कोशिका झिल्ली द्वारा करते हैं, कोशिका द्रव्य द्वारा करते हैं, ठीक है ना। सारा का सारा जो भी इनका कह लीजिए कि जो उत्सर्जन का संस्थान होता है, मतलब कोई भी काम करते हैं ये कोशिका द्रव्य द्वारा करते हैं, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं इनका पोषण की तरफ, पोषण, सारी बातें आप लिखते चलें, पोषण मतलब कि न्यूट्रिशन, 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 न्यूट्रिशन। अब इसमें देखिए अधिकांश प्रोटोजोआ जो होते हैं आहार के लिए लघु पौधे, किस पौधे के, लघु पौधे, लघु पौधे और मल और बहुत सारे मतलब इसका सेवन करते हैं बेटा, लघु पौधे मलों का सेवन करते हैं बहुत अधिकांश प्रोटोजोआ, और दूसरे प्रोटोजोआ पर भी निर्भर होते हैं। अधिकांश प्रोटोजोआ लघु पौधे मल मूत्र और बेटा जो दूसरे प्रोटोजोआ होते हैं उस पर डिपेंडेंट होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उसको खाकर अपना जनन करते हैं, अपना पोषण आहार बनाते हैं उसको, ठीक है, यह चीज़ याद रखेंगे। दूसरी चीज़, दूसरी बात याद रखेंगे, जो परजीवी प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी के ऊतकों पर होते हैं,
जो परजीवी होते हैं ना, परजीवी वो किसके पे, किस पे होते हैं बेटा, वो होते हैं आपके जो आपका परपोषी होते हैं ना, परपोषी उनके ऊतक पे होते हैं, उनके ऊतक पे वो आ जाते हैं, ऐसे याद रखेंगे। अब याद रखेंगे जिन प्रोटोजोआ के क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, जिन प्रोटोजोआ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, वह पौधे की तरफ प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं। लेकिन जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वह अपना पौधों की तरह भोजन बना लेता है, जैसे कि सन की रोशनी से भोजन बना लेना, इस तरह वो अपना क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरे रंग की पड़हरित या फिर लवक, पड़लवक होना। तो इस वजह से जब उनको एक तरह से क्लोरोप्लास्ट है जिस प्रोटोजोआ में, वो अपना भोजन बना लेते हैं जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं, जिसमें नहीं है वो अपना कैसे बनाते हैं, जनन के माध्यम से कर लीजिए या फिर कह लीजिए कि उत्सर्जन के माध्यम से, उत्सर्जन करना और नियमित कार्य करना, श्वसन के स्थान पर श्वसन करना, इस तरह अपना भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। अब एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, कुछ प्रोटोजोआ अपने शरीर को सतह द्वारा जल में घुले आहार में या फिर घुले आहार से प्राप्त कर लेते हैं, या फिर कह लीजिए कुछ प्रकार के जो होते हैं मृतजीवी पोषण से, मतलब मृतजीवी पेड़ पौधों से भी प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को आहार प्रदान कर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए प्रोटोजोआ है वो मर जाता है और वह पानी में घुला हुआ है, तो इससे भी कुछ प्रोटोजोआ अपना आहार मतलब कि बना लेते हैं, और जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं मृत पेड़ पौधों को भी अपना आहार के रूप में बना लेते हैं। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए कुछ प्रोटोजोआ की परिस्थिति के बारे में देख लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो बेटा परिस्थिति के अनुसार पदाभ संचय और मृतजीवी भी बदल लेते हैं। याद रखेंगे जो पदार्थ संचय भोजी होते हैं वो अपने आप को मृतजीवी में बदल देते हैं, बदलते रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं युगलीना इसका अच्छा एग्जांपल है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब पदार्थ संभोजी क्या होता है, इसका चित्र कैसा होता है, बिल्कुल भी पदार्थ बोला है ना, बिल्कुल चप्पल की आकृति का होगा, ऐसे होता है, ऐसे इनकी आकृति होती है, और यहाँ पे ऐसे पूंछ निकला होता है, है ना, याद रखेंगे यहाँ पे छोटा बहुत कड़िका होती है, छोटे छोटे, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटे छोटे कड़िका को क्या बोलते हैं भैया, हम बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बार शंख बज गया, आप लोग नमन करिए, हर हर महादेव लगाइए, लेकिन ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। चलिए अब देखिए, अगर हम इन्हें अंधकार में रख दें ना, इन्हें अंधेरे में रख दें, तो ये क्या कर लेंगे भैया, क्लोरोफिल इसमें बचेगा ही नहीं, जब अंधकार में रख देंगे तो अंधकार में क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है इनका, जिसके अंदर क्लोरोफिल है अगर उनको अंधकार में रख देंगे तो क्लोरोफिल की मात्रा फिनिश हो जाती है, ये चीज़ याद रखेंगे। अभी अपने सुरक्षा तो भी प्रदान करते होंगे, जैसे कछुआ है, कछुआ अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर खोल लिए होता है, इसी तरह यह भी अपने ऊपर खोल बनाए होते हैं, खोल बनाए होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे खोल बनाए होते हैं, क्योंकि यह ज़्यादातर पानी और समुद्रों के मार्ग, समुद्र गंदे पानी इस सब जगह पाए जाते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। ये मीठे पानी में भी पाए जाते हैं और नमकीन पानी में भी पाए जाते हैं, है ना, याद रखेंगे बेटा। ये अपने ऊपर खोल जो बनाए होते हैं उस खोल को क्या बोलते हैं, उस खोल को बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं बेटा, सिस्ट, या CIST सिस्ट बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन, इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कुछ, और इनका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला बेटा मैस्टिगोफेरा, क्या है, मैस्टिगोफेरा, याद करिएगा नाम बेटा, सारा नाम याद करना है, मैस्टिगोफेरा, इसका एग्जांपल युगलीना है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है युगलीना, बस इसी तरह आपको रट लेना है, इसको याद कर लेना है। दूसरा चीज है सार्कोडिना जो होता है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसे हम कहते हैं राइजोपोड़ा भी बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिए राइजोपोड़ा भी बोलते हैं, इसे सार्कोडिना बोलते हैं या फिर राइजोपोड़ा बोलते हैं। इसका मोस्ट एग्जांपल, जो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका, लिख लेंगे अमीबा, क्या लिख लेंगे बेटा, अमीबा, एक मिनट, अमीबा लिख लीजिए इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल अमीबा, OEBA अमीबा लिख लीजिए, AMOEBA। इसके बाद तीसरा होता है स्पोरोजोआ, क्या होता है, स्पोरोजोआ होता है, तीसरा इसका क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है, जिसे हम, जिसका एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल जब सबसे ले लेता हूँ बता देंगे, प्लाज्मोडियम
ये सबसे इच्छा इसका जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। इसके बाद आ जाते हैं सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा बोलिए या फिर सिलेरिया बोलिए, सिलेरिया सिलेरा सिलेरा बोल दीजिए या फिर सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं इसे आप, ठीक है ना। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा लिख लेंगे आप प्रोमीशियम, पैरामीशियम PARAMECIUM पैरामीशियम। इसके बाद आ जाता है लास्ट इसका जो टाइप है क्लासिफिकेशन में सक्टोरिया। देखिए नाम थोड़ा सा हार्ड है लेकिन अब याद करेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, इसको रट जाइए। ये होता है पोडोफायरा इसका एग्जांपल है पोडोफायरा। ये चीज़ आप लिख लेंगे कॉपी पे, लिख लीजिए फटाफट सभी लोग। इसके बाद हम चलते हैं प्रजनन की तरफ, प्रजनन लिख लीजिए उसे आप लोग प्रजनन। अब देखिए प्रजनन का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्शन। आदमी के अंतर्गत नहीं होगा ना तो उसकी जो कॉलेज आने वाली पीढ़ी है वो खत्म हो जाती है। इस तरह अभी अपना प्रजनन करते हैं लेकिन दो प्रकार से करते हैं इसे प्रजनन। एक होता है अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक मतलब शरीर का कोई भी हिस्सा टच में नहीं आएगा, है ना। और दूसरा जो होता है बेटा लैंगिक जनन, लैंगिक जैसे हम आप करते हैं उसी तरह यह भी अपना लैंगिक जनन करते हैं। यदि कि जो अलैंगिक जनन होता है बेटा यह सरल द्विभाजन होता है और बहुविभाजन होता है, द्विभाजन भी होता है, द्विभाजन मतलब अपने आप को ये क्या करते हैं दो भाग में ऐसे ऐसे तोड़ लेते हैं, द्विभाजन हो गया। और बहुविभाजन में क्या होगा अपने आप को बहुत सारे रूप में तोड़ लेते हैं ऐसे ऐसे, तो यह होता है बहुविभाजन। तो याद रखेंगे जो अलैंगिक जनन होता है वह द्विभाजन भी होता है और बहुविभाजन भी होता है। इसी तरह सेम लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन संयुग्मन होता है और क्या होता है युग्म संकलन होता है, संयुग्मन का मतलब बेटा हो जाता है कॉन्जिक्यूशन CONJUGATION कॉन्जिक्यूशन। और जो होता है एक असंयुग्मन मतलब कि युग्म संकलन के द्वारा भी इनका जनन होता है जिसे लैंगिक जनन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं साइनेगेवा, SYNGANY साइनेगाई, ठीक इसे याद कर लेंगे। यह पूरा इनका प्रजनन का रहा, देन का क्लासिफिकेशन रहा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए एक बार हम रिवीजन करा देते हैं आपका, इनके जो डिजीज हैं उनका ट्रिक हम आपको बताए थे ना एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं पापा काम पे सोते हैं। पापा से पायरिया, जो दांतों मसूड़ों से ब्लड आता है पायरिया, याद रखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हैं। और क से बेटा कालाजार याद रखेंगे। म से क्या होगा मलेरिया, ठीक है ना। और प से क्या होगा बेटा पेचिस पढ़ना आय पढ़ना जो बोलते हैं ना, टट्टी उठती होने लगती है पेचिस में, है ना, एक तरह से आय पड़ता है और टट्टी बिल्कुल जलन के माध्यम से होती है ना। और सोना का मतलब हो गया बेटा, सोना का बता देंगे, सोने की बीमारी होती है, सोते हैं तो सोने की बीमारी भी प्रोटोजोआ से होता है, सोने की बीमारी। बस यही रहा। देखिए अब इतना ज़्यादा थोड़ा सा अगर थोड़ी सी और वीडियो खींचना ना हो बेटा ना हमें तो हम आपको समझा ही नहीं पाएंगे, हम अदर चैनल की तरह नहीं पढ़ाएंगे। जो ऑनलाइन शिक्षण है ना वो आपको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज देगा, पूरा नॉलेज देगा, आधे अधूरे नॉलेज नहीं देगा। जिन बच्चों को लगता है वीडियो बड़ी हो जाती है, हम एक सेकंड का दो सेकंड का वीडियो देखने आते हैं बस ट्रिक ना, तो ट्रिक में ही रह जाएंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं भैया थोड़ा सा अपना तरीका बदलिए पढ़ने का, है ना, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे तो विस्तार से समझ में आएगा। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, अपने माध्यम से लिख लीजिए, उसे कॉपी नोट्स बना लीजिए, अपना हमेशा काम देने वाला है आपका। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करिए क्योंकि आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑनलाइन शिक्षण को। बच्चियाँ बच्चे जो भी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं सहयोग करते हैं लेकिन कुछ बच्चों हैं जो कुछ शरारती बच्चे हैं, एक तरह से उनकी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब होता है, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके कमेंट पढ़ के, है ना। तो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। पेपर बहुत पास है, हम लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं आपका संडे का बिल्कुल शानदार तरीके से। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से नहीं तो क्वेश्चन के माध्यम से सब कवर करेंगे। यहाँ पर 3-3 घंटे क्लास लेने के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से मैराथन चलाएंगे। आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए और कमेंट करिए, जो जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताइए, आपका कमेंट जरूर लिया जाएगा, ठीक। धन्यवाद।